हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल एरिया अपग्रेडिंग। आज हम देखने वाला हमें नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द फेल ओवर सिस्टम। ओके, जैसे कि सिक्स वाला पॉइंट है हमारा फेल ओवर सिस्टम। फर्स्ट फाइव पॉइंट हमने हमारे प्रीवियस सेक्शन में कवर किए। ये फाइव पॉइंट के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो प्ले लिस्ट आपकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स, एट पॉइंट सिक्स, फेल ओवर सिस्टम। ओके, तो फेल ओवर एंड देन नेक्स्ट थ्री टॉपिक्स रिमेन्स है हमारे हाइपरवाइजर, रिसोर्स क्लस्टर, मल्टी डिवाइस ब्रोकर एंड सिस्टम है, ये वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं द फेल ओवर सिस्टम। सो बेसिकली द फेल ओवर सिस्टम क्या होता है? द फेल ओवर सिस्टम मैकेनिज्म इज यूज टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ एन आई टी रिसोर्सेस बाय यूजिंग establishing a cluster technology to provide a redundant implementation. Okay, so first of all, what is mean by reliability? In the sense trust, कि हमारे जो हम जो भी सिस्टम यूज करते हैं वो कितने रिलायबल है, हम उसके ऊपर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज अवेलेबिलिटी, इन द सेंस कितने टाइम तक वो अवेलेबल हो सकती है। इन द सेंस जो भी हम क्लाउड या सर्विस यूज कर रहे हैं विदाउट एनी फेल्योर हम कितने टाइम तक उसको अवेलेबल रख सकते हैं, दैट इज मीन बाय अवेलेबिलिटी। द फेल ओवर सिस्टम इज एन कॉन्फिगर टू ऑटोमेटिकली स्विच ओवर टू रिडंडेंट और स्टैंड बाय अ आईटी रिसोर्स इंस्टेंस व्हेनेवर द करंटली एक्टिव आईटी रिसोर्सेज बिकम अनअवेलेबल। कि जैसे कि हम इसके अंदर क्या करेंगे, सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि एक कोई सिस्टम आप यूज कर रहे हो कि कोई भी रीजन की वजह से, ओके एनी रीजन, एनी कॉल कि जिसके वजह से वो आईटी रिसोर्सेज या सिस्टम फेल हो गई, तो उसके जगह पे हम क्या करेंगे, एक अल्टरनेटिव रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल होगा। इन द सेंस उसको हम क्या कहेंगे, उसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम उसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। देन नेक्स्ट, द फेल ओवर सिस्टम इज कॉमनली यूज फॉर एन मिशन क्रिटिकल प्रोग्राम। ओके, एंड reusable service that can be introduced in single point of failure for a multiple application. Okay, तो यहाँ पे दो scenario या दो concept आपको और देखने को मिलने वाले, that is a mission critical. Okay, what it mean by mission critical? कि जैसे कि कोई very important task है, मिशन क्रिटिकल इन सेंस वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, कि वो फेल हो गया सो और जितने भी सिस्टम है सभी सिस्टम फेल हो जाएंगे। एंड सेकेंड सिनेरियो दैट इज एन सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर। ओके, इन अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर जैसे कि एक सिस्टम फेल हो गया या एक सर्वर फेल हो गया, देन उसकी वजह से पूरा जो नेटवर्क है वो स्लो डाउन या स्टॉप हो सकता है। तो दैट इज एन सिंगल पॉइंट ऑफ, कि एक फेल हो गया तो उसके अकॉर्डिंगली जितने भी मल्टीपल एप्लीकेशन डिवाइसेज सर्वर की सभी चीजें यहाँ पे फेल हो सकते हैं। अ फेल ओवर सिस्टम कैन बी स्पैन मोर देन वन जियोग्राफिकल रीजन सो दैट द ईच लोकेशन ऑफ होस्ट वन और मोर रिडंडेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी रिसोर्सेज। ओके, फेल ओवर सिस्टम का एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, आप सभी को पता होगा डेटा सेंटर्स। ओके, डेटा सेंटर्स कंसेप्ट आप सभी ने देखा होगा, ऑब्वियसली हम क्लाउड देख रहे तो डेटा सेंटर्स सब फैमिलियर होंगे इस कीवर्ड से। तो डेटा सेंटर इन द सेंस जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल के, गूगल का डेटा सेंटर का एक यहाँ पे एग्जांपल लेते। सो कोई भी रीजन की वजह से एक जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर डिफिकल्टी आ गई या प्रॉब्लम आ गई, इन द सेंस कि एक इंडिया के अंदर एक गूगल का डेटा सेंटर है के ड्यू टू द फ्लो नेचुरल कोई क्लाइमेट हो सकता है, नेचुरल इश्यू हो सकता है या अर्थक्वेक हो सकता है, तो कोई भी रीजन हो सकता है जिसके वजह से एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर आपका डेटा सेंटर लॉस हो गया, कनेक्शन लॉस हो गया। तो उसके लिए हमारे पास क्या अल्टरनेटिव्स रहेंगे, हम मल्टीपल डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर, इन द सेंस मल्टीपल प्लेस के ऊपर आपका क्या करेंगे, डेटा रखने वाले हैं, जिसके थ्रू क्या होगा कि इफ एक जो जियोग्राफिकल सेंटर के ऊपर आपका फेल हो गया रिसोर्स, तो उसके लिए जो अल्टरनेटिव सेंटर्स होंगे हम वहां से क्या कर सकते हैं, डेटा फेच कर सकते हैं। द रिसोर्स रिप्लिकेशन मैकेनिज्म is something utilized by the failover system to provide a redundant IT resources instance which are the actively monitored for the detecting of errors and unavailability condition. कि यहाँ पे और एक concept आपको देखने को मिलेगा, that is the resource replication mechanism. Okay, in a resource replication mechanism
जैसे कि जो मल्टीपल कॉपीज एट ए टाइम हमारा जो डेटा होगा वो एक सिंगल प्लेस के ऊपर हम स्टोर करेंगे, बट उसके जो रेप्लिकाज होंगे, ओके हमने जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं सो इंडिया के जो डेटा सेंटर से वहां पे हमारा डेटा स्टोर होगा, एंड एट अ सेम टाइम के जितने भी नंबर्स ऑफ डेटा सेंटर्स गूगल के है, इन द सेंस 10 डिफरेंट डेटा सेंटर्स है 10 डिफरेंट कंट्रीज में है, तो वो वहां पे क्या करेगा, उसका डेटा रेप्लीकेट हो जाएगा एट अ सेम मोमेंट ऑफ टाइम, सेम टाइम पे क्या करेगा, जितने जगह पे डेटा रेप्लीकेट करेगा, साइमल्टेनियसली वी चेक फॉर द डिटेक्शन ऑफ एरर कि उसके उस डेटा के रिगार्डिंगली कोई एरर है क्या नहीं, या कोई अनअवेबिलिटी कंडीशन ऑकर हो रही है क्या नहीं, ओके ये दो सिनेरियोज हम क्या करेंगे रेप्लिका मैकेनिज्म के अंदर चेक करेंगे। देन नेक्स्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है दैट इज अ फेल ओवर सिस्टम कम विद अ टू बेसिक कॉन्फिगेशन, कि इसके अंदर दो टाइप्स के कॉन्फिगेशन हम देखने वाले, फर्स्ट द एक्टिव टू एक्टिव कॉन्फिगेशन एंड सेकेंड एक्टिव एंड पैसिव कॉन्फिगेशन, तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम दोनों भी कॉन्फिगेशन मॉडल इसके अंदर देखने वाले। तो बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट डायग्राम यहाँ पे देखते हैं द एक्टिव एंड एक्टिव कॉन्फिगेशन, इन अ एक्टिव एक्टिव कॉन्फिगेशन द रिडंडेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी रिसोर्स इज एक्टिवली सर्वर द वर्कलोड सिंक्रोनाइजेशन एंड द लोड बैलेंसिंग अमंग द एक्टिव इंस्टेंस इज रिक्वायर्ड, कि यहाँ पे जैसे कि डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें आपको दिख रही है, कि जैसे कि हमें पता है कि लेफ्ट साइड से क्या हो रहा है कि नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट अपन कंज्यूमर्स, उसके अकॉर्डिंगली लोड बैलेंसर वहाँ पे हमने प्लेस किया है। इफ आपको लोड बैलेंसर का कंसेप्ट पता नहीं होगा, याद नहीं होगा, सो आप हमारे जो आई बटन है वहाँ पे जा सकते हैं एंड वहाँ पे आपको लोड बैलेंसिंग के रिगार्डिंगली वीडियो मिल जाएगी। लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लोड को अमंग द टू सर्विसेज, जैसे क्लाउड सर्विस ए एंड उसका रेप्लिकाज ऑफ एन क्लाउड सर्विस ए, दोनों के अकॉर्डिंगली डेटा वहां पे ट्रांसफर कर रहा है। तो लोड बैलेंसिंग अमंग द एक्टिव इंस्टेंस इज रिक्वायर, एक्टिव होना चाहिए। व्हेन अ फेल्योर इज डिटेक्टेड द फेल्ड इंस्टेंस इज रिमूव्ड बाय द लोड बैलेंसिंग शेड्यूलर, कि इफ ये दोनों सर्विस में से क्लाउड सर्विस ए एंड रेप्लिकाज ऑफ क्लाउड सर्विस ए, कि इफ दोनों में से कोई भी सिस्टम फेल होगी, सर्वर फेल हो गया, तो उस सिनेरियो में लोड बैलेंसर या फेलओवर सिस्टम क्या करेगा, उस इंस्टेंस को रिमूव कर देगा उसको रिपेयर करने तक। व्हेनेवर द आईटी रिसोर्सेज रिमेनिंग द ऑपरेशनल व्हेन द फेल्योर इज डिटेक्टेड टेक ओवर द प्रोसेसिंग, ओके इफ आपको डिटेक्ट हो गया कि एरर, कि हम फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो से यहाँ पे क्रिएट किया कि एक जो सर्वर था हमारा, एक सर्विस था वो यहाँ पे फेल हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है, इंटरनेट इश्यू हो सकता है, हार्डवेयर इश्यू हो सकता है, ओके वो अलग पार्ट हो, हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, बट कोई भी रीजन की वजह से उसका स्टेटस फेल्योर ऐसे डिटेक्ट हो गया। व्हेन द फेल्योर इज डिटेक्टेड इन वन क्लाउड सर्विस ए इम्प्लीमेंट द फेल ओवर कमांड टू वर्क लोड बैलेंसर टू विच द ओवर द वर्कलोड इज रिडंडेंट टू क्लाउड सर्विस ए इम्प्लीमेंटेशन, कि जो टास्क था, जो भी वर्क था, वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी जो क्लाउड सर्विस ए कंप्लीटली उसके ऊपर आ जाएगा। देन थर्ड सिनेरियो इसके अंदर क्या हो रहा है कि द फेल्ड क्लाउड सर्विस ए इज इम्प्लीमेंट इज रिकवर, कि अगेन वो रिकवर होने के बाद उसके ऊपर हमने एरर सॉल्व कर दिया या जो भी प्रॉब्लम था उसको रिजॉल्व कर दिया, अगेन उसको हम क्या करेंगे इन ऑपरेशन मोड पे ऑन कर देंगे एंड द फेल ओवर सिस्टम नाउ कमांड्स और लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट द वर्कलोड अगेन, कि हमने क्या किया, अगेन हमारे फेल ओवर सिस्टम में लोड बैलेंसर को इन्फॉर्म कर दिया कि हमारी क्लाउड सर्विस ए जो फेल हो चुकी थी अगेन वो वर्किंग मोड में आने के लिए रेडी है। देन उस सिनेरियो में हमारा लोड बैलेंसर क्या कर गया, अगेन उसको जो भी नंबर्स ऑफ वर्क या लोड असाइन करना है, टास्क असाइन करना है, और सभी चीजें वहां पे वो असाइन करने वाला है। ओके तो ए हो गया एक्टिव एक्टिव, कि दोनों भी एट ए टाइम एक्टिव मोड में होने वाले हैं। ये इसके लिए स्लाइटली डिफरेंस है, यहाँ पे हम और एक मॉडल देखेंगे दैट इज द एक्टिव एंड पैसिव मॉडल। इन एक्टिव पैसिव कॉन्फिगेशन द स्टैंड बाय और इनएक्टिव इंप्लीमेंटेशन इज एक्टिवेटेड
to take over the processing from IT resources that become unavailable, and the corresponding workload is redirected to an instance taking over the operation. Same scenario यहाँ पे, जैसा कि एक router है हमारे पास. राउटर क्या कर रहा है, जो एक्टिव स्टेट एंड स्टैंड बाई इंस्टेंस की दो है, एक्टिव एंड पैसिव इंस्टेंस दो यहाँ पे हमने डिफाइन किए. सेम यहाँ पे जो डेटा है वो रेप्लिकेट हो रहा है टू द क्लाउड सर्विस ए इंस्टेंस. कि इफ कोई भी रीजन की वजह से, यहाँ पे सेम देखेंगे, कोई भी रीजन की वजह से आपका एक सर्विस फेल हो गया, ओके, अ क्लाउड सर्विस इज इंप्लीमेंट एक्टिंग एज अ एक्टिव सर्वर एंड इनकाउंटर द फेल्यूर डिटेक्ट बाय द फेलओवर सिस्टम विथ सबसिक्वेंट एक्टिव एंड इनएक्टिव क्लाउड सर्विस ए इज इंप्लीमेंट एंड रीडायरेक्ट टूवर्ड इट द न्यूली इन्वोक द क्लाउड सर्विस इज इंप्लीमेंट नाउ एज्यूम दैट द रोल इज एक्टिव इंस्टेंट. जैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्विच करेंगे कि जो इनएक्टिव था, स्टैंड बाय था, उसको क्या करेंगे अभी एक्टिव स्टेट में करेंगे, बिकॉज ऑफ जो प्रीवियसली एक्टिव था वो यहाँ पे फेल हो गया, उसके ऊपर वर्क का लोड आ गया या फेल्यूर हो गया कोई भी रीजन की वजह से. देन यहाँ पे जो पैसिव मोड था या स्टैंड बाय पे था, या उसको हम क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे एंड उसको रिपेयरिंग प्रोसेस में करेंगे. देन नेक्स्ट जब अच्छे से रिकवर हो जाएगा, द फेल्ड क्लाउड सर्विस इज इम्प्लीमेंट इज अ रिकवर ओवर द रेप्लिकाज एंड ऑपरेशन ऑफ क्लाउड सर्विस इज एन नाउ पोजिशन एज अ स्टैंड बाय इंस्टेंस व्हाइल द प्रीवियस इनवोक द क्लाउड सर्विस ए कंटिन्यू द सर्विस एज एन एक्टिव सर्वर. जब जस्ट लाइक वो एक्टिव इंस्टेंस है, वो एक्टिवली वर्क करता रहेगा कंटिन्यूसली. एक्टिव एक्टिव में जस्ट लाइक हम क्या करते हैं, स्विच करते थे अगेन, दोनों को सेम करते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे. एक्टिव पैसिव में एक जो सिंगल एक्टिव है वही वो सभी टास्क परफॉर्म करेगा. आफ्टर कोई भी रीजन की वजह से वो फेल हो जाएगा, देन वो क्या कर सकता है, उसको स्विच कर देगा. ओके, सम ऑफ द फेल ओवर सिस्टम आर डिजाइन टू रीडायरेक्ट अ वर्कलोड और एक्टिव resources that rely on specification cloud load balancer and detect the failure conditions and exclude the fail IT resource instance from workload distribution. ये दो सीनारियो हमने देखे. फर्स्ट इसमें एक्टिव एक्टिव मैकेनिज्म था जिसके अंदर हमने वर्कलोड बैलेंसर यूज किया था. तो जो लोड बैलेंसर था वो क्या कर रहा है कि दोनों को, जितने भी नंबर्स ऑफ आपके सर्विसेस होंगे, इक्वली वर्क डिस्ट्रीब्यूट करेगा. देन अगेन यहाँ पे जो एक्टिव पैसिव था वो क्या करेगा, एक सिंगल सर्विस को जितना भी वर्क है वो असाइन करेगा. इफ वो फेल हो गया, देन जितने भी एक्टिव थे उनके पास वर्क शेयर करेगा. इफ इसमें से कोई फेल हो गया, देन हम क्या कहेंगे, जो स्टैंड बाय पे था उसको वर्क असाइन करेंगे. ओके, इट इज एन अ कॉम्प्लेक्स टास्क दैट वॉज एग्जीक्यूट एंड फेल्ड ऑफ आई टी रिसोर्सेज कैन रिमेन ऑपरेशन एंड रिडंडेंट इम्प्लीमेंटेशन. ओके, एक कंटिन्यूस प्रोसेस आपको एक करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी, इस तरह से वो इसका एग्जीक्यूशन होता रहेगा. ओके, इफ आपको इस वीडियोज के रिगार्डिंगली कोई भी डाउट, क्वेरी, ओके, या सजेशन होगा, सो आर वेलकम. आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ओके, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम हमारे वीडियो स्केल अपग्रेडेशन कर देंगे, या जो भी आपको हेल्प चाहिएगी हम करेंगे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, तो इसको लाइक कर सकते हैं एंड सेम ईयर वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.